ने जो भगवान ने जो मंदिर उठाया था ना, पर्वत उठाया था, सॉरी भगवान ने यहीं से पर्वत उठाया था, गोवर्धन जो पर्वत है इसको बोलते जतिपुरा मुखारगंज। और मैं आपको मंदिर पर भी लेके चलूँगा, मंदिर आपको दिखाऊँगा पूरा। और यहाँ से स्टार्टिंग हो गया मेरा मंदिर का एरिया। तो अभी ये लोग देखो आ रहे हैं आराम आराम, इनको मैं बोलना जल्दी जल्दी आ जाओ, लेकिन ये लोग बहुत आराम आराम चल रहे हैं। तो आज दर्शन तो हर जगह करूँगा, चाहे लेट कितना भी हो जाए, लेकिन मैं मंदिर भी दिखाऊँगा आपको पूरा। ये इसी की रास्ता है यहाँ की। तो यहाँ आप लोग आओगे मंदिर में, तो ये मंदिर में यहाँ पे दुकानें भी हैं पूरी बहुत सारी मंदिर के बराबर में। और ये मंदिर पड़ता है ऊपर में, जहाँ पे सभी भगवान ने जो उठाया था मंदिर, गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो मैं आपको ले चलता हूँ और भी दिखाऊंगा अभी पूरा मंदिर। यहाँ पे मार्केट है पूरी पूरी, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूरी मार्केट है। यहाँ पे ए टू जेड भगवान के वस्त्र हैं, भगवान की पूजा पाठ के सारे सामान मिलते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। और खाने पीने का भी आइटम है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगा। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर में, मंदिर के पास में हैं। और यहाँ पे दूध दही और लस्सी हैं, लस्सी की दुकान है, लस्सी की दुकान है यहाँ पे, सारे दूध की दुकानें हैं और सबसे ज़्यादा यही दूध दही मिलता है यहाँ पे। और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ मंदिर अंदर चल ही रहा हूँ, मंदिर अंदर में चल के मैं आपको टोटल ए टू जेड दिखाऊँगा क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ खाने पीने की चीज़ें सबसे ज़्यादा मिलेंगी आपको, दूध दही मठा छाछ जलेबी यही सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो काफ़ी भीड़ भी है, वही मंदिर बाद पहुँचने वाले भी हैं, अब देखते हैं खाने पीने चीज़ें। चलो तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सब खाने पीने चीज़ पूरा ए टू जेड है। देख रहे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो श्री भगवान जी ने मंदिर जो पर्वत है उंगली उठाया हुआ बाकायदा सेम। और ये वो है भगवान, ये भगवान ने मंदिर जो है श्री कृष्ण भगवान ने मंदिर उठाया है उंगली के ऊपर में, आप लोग खुद देख रहे हो स्वयं। देखो ए टू जेड यहाँ पर मंदिर पता चलता है। तो अभी हमने पूरी बड़ी परिक्रमा लगा ली, अब हमारी छोटी परिक्रमा शुरू हो गई है। आप लोग देख सकते हैं ये दिखाए हैं, छोटी परिक्रमा हमारी यहाँ से शुरू स्टार्टिंग है। तो अभी हमने पूरी बड़ी परिक्रमा कर ली है आज, और अब मैं छोटी परिक्रमा में लग गया हूँ, जो मेरी 7 किलोमीटर की भी बची हुई थी ना ये,
7 किलोमीटर की थी वो, मैंने 7 किलोमीटर पर मुझे पूरी करनी है और मैंने 12 किलोमीटर की पूरी करनी है। मैं आ गया हूँ 7 किलोमीटर वाले पर, तो आप लोग दिखाना। हमारे यहाँ होती है वहाँ पर मार्केट भी है, दुकानें भी हैं, आप खाने पीने वाली चीज़ कुछ भी ले सकते हो ए टू जेड, कोई सामान अगर लेना है, खाना पीना रहना है। यहाँ पर धर्मशाले भी हैं रुकने की, जो पहली बड़ी प्रगमा मेरी 12 किलोमीटर की थी, छोटी प्रगमा मेरी 9 किलोमीटर की है, तो अभी मेरी बची हुई है, अभी हम उसको प्रगमा कर रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग प्रगमा खत्म होगी हमारी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और प्रगमा के रोड पर क्या होता है, मार्केट भी पूरी है यहाँ पर, तो अभी स्टार्टिंग हुई है हमारी, हम आपको और भी दिखाते हैं यहाँ के चल के। आप लोग देख रहे हो ये यहाँ पे नंदगांव बरसाना है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ नंदगांव बरसाना जा सकते हो। यहाँ पे नंदगांव बरसाना की दूरी 20 किलोमीटर पड़ती है, ये भी परगमा के बीच में ही आता है, लेकिन इनका रूट अलग अलग है। यहाँ पे भगवान ने पर्वत उठाया था, यहाँ थोड़े भगवान बैठे थे। अच्छा अच्छा, तो इस जगह का नाम सुपर टेका है, ये वाली जगह। आपसे टिके हुए हैं, आपको पैदल चलती है ना, उसमें ज्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों बताया आप लोग, अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं, ये जगह है जहाँ भगवान ने आराम की थी, इस जगह का नाम वो है, और अभी हम यही आराम करने बैठे हैं आने के बाद, तो एक नाम बोलते हैं सुपर टिका बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं इसको हम लोग, और अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए टोटल, और थोड़ी आराम करके फिर आगे जाएंगे। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं ये जगह है पर्वत के किनारे, जहाँ जगह भगवान श्री कृष्ण ने आराम की थी, इसकी जगह का नाम है चूतक टेका, और ये जगह है विश्राम जहाँ पर गया था, इसका नाम जगह का नाम चूतक टेका। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पूछते हैं, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे बाकायदा साफ साफ, और ये देखो यहाँ पर बात करें आराम कर रहे हैं। तो अभी हमने सारे परिक्रमा लगा लिया है, अभी मेरा थोड़ा बच्चा है तो लास्ट पर यहाँ पर, अभी हाँ हम आपको दिखाना चाह रहे, देखो। और दूसरी चीज़ है, ये कौन सा कुंड है भैया? कुसुम सरोवर। ये कुसुम सरोवर कुंड है, और अभी हम चल ही रहे हैं कुसुम सरोवर कुंड, जो है जहाँ पे राधा रानी के भगवान श्री कृष्ण कैस की थे, और मैं अभी आ गया लास्ट में, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये कुसुम सरोवर कुंड है। दूसरी बात है, मैंने अभी तक सारे पैसे लगा लिए हैं, नहीं वहाँ सामान रख दो आराम से दर्शन करने आना, फिर गाड़ी खड़ी है बोलो, ले लेंगे हम सामान अपने साथ, गाड़ी वहाँ समाप्त करो। दादा किधर की भैया? हाँ चालू है, हट जा हट जा, इधर आ जाओ, सब इधर नहीं गई। अगर याद आते ना खानदान याद आते खड़ा देख रहा हूँ। फेंक दे, तो फेंक जो बड़ा होना है, हमारा खाना दे रहा किसी भी, वहीं डाल दो ना, वहीं डाल दो। इधर जीजे इधर तरफ हो जाओ, इधर उधर मत जाओ, इधर देखो जीजू, इधर देखो, करो स्टॉप। तो अभी हम कुसुम कुंड के अंदर आ गए हैं, तो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कितना अच्छा नज़ारा है कुसुम कुंड के अंदर का, सारी चीज थी। और अभी यहाँ पे गिरिराज राम जो परिक्रमा करने आया था, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा है और कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया है, देखो आप लोग खुद देख सकते हो पूरा,
ए टू जेड, कभी भी यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर गिरजा परिक्रमा करने ज़रूर आना। और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा। और ये कुसुम कुंड है, ये देखो सामने आप लोग देख सकते हो बिल्कुल बाकायदा। ये देखो डायरेक्टली कुसुम कुंड है। और दूसरी चीज़ है, इसके अंदर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्यों, जो राधा रानी थी ना वो यहीं नहाती थी, और ये कुसुम कुंड है, उनकी फ्रेंड जो है कुसुम कुंड, ये उन्हीं की बदौलत उन्हीं ने बनवाया था। दूसरी चीज़ है, ये बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, खूबसूरत जगह है, आप लोग खुद देख सकते हो, आप लोग दिखा देते हो, लेकिन हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बना के लाएंगे और दोबारा फिर लाते रहेंगे अच्छे 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 ब्लॉग वीडियो। कभी भी यहाँ आइए, मथुरा वृंदावन आइए, तो यहाँ आप गोवर्धन पर्वत के जरूर परिक्रमा करने आइए, आप कुसुम कुंड देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। और हम कहते थे, हम खुद आए हुए हैं, आज पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर परिक्रमा करने, और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अमेजिंग है, और यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है आज, आप लोग खुद देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। और दूसरी चीज़ है, जो नज़ारा है यहाँ का, वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बढ़िया है, अमेजिंग है, तो मैंने आप लोगों को कहा भी था। तो अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जो चीज़ें हैं अमेजिंग। और दूसरी बात है, कुसुम कुंड जो है बहुत अच्छा है, और कभी भी आप लोग घूमने आइए, यहाँ गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा करने ज़रूर आइए। और यहाँ पे हर चीज़ अलग है बिल्कुल ही, लोग कहते हैं ना अलग अलग चीज़ें क्या है क्या नहीं है, अमेजिंग दे, आप लोग खुद देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। और कुसुम कुंड काफ़ी गहरा भी है, बहुत ज़्यादा, आप लोग खुद देख सकते हो कितना अमेजिंग मज़ा आ रहा, कितना प्यारा व्यू है। और देखो हम आप लोग दिखा भी रहे हैं, और हम आपको हकीकत बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। दूसरी चीज़, जो आप लोग कहते रहते हो ना कभी भगवान के दर्शन करने जाइए, भगवान दर्शन करने जाइए, तो आप लोग ऐसे आ सकते हो भगवान के दर्शन करने यहाँ पर। और खुद गिरजाराजा स्वयं गिरजा भगवान है जो यहाँ पे विराजमान हैं, और उनका पर्वत मैंने आप लोग दिखाया हुआ है, और बहुत अच्छा अमेजिंग मज़ा है यहाँ पे, हमें तो बहुत दिल खुश हो गया मेरा, और बढ़िया भी लगा मुझे। और आपसे मिलेंगे हम दोबारा फिर। हेलो गाइस, तो मेरा आज का टूर ख़त्म हो गया है, और मैंने दर्शन कर लिए हैं आज, और आपको सब चीज़ दिखा भी दिए, तो मिलता हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में। तो मेरा चैनल मिस्टर मिश्र यादव के नाम से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। दूसरी चीज़ है, मैं आपको मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में, और बहुत अच्छी चीज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और हम सारी फैमिली अब जा रहे हैं घर।